हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं जैन मंदिर और हमने बाइक खड़ी कर दी है इधर और हेलमेट ये रखा है, हेलमेट को बांधने लगा रहे हैं लोग। और मैं बता दूँ आपको, उदित आया हमारे साथ, अभी से आया है और अब अंदर जाएंगे। बस उदित भी हमारे साथ खड़ा है। हाँ भाई, चला घर में आंधे मंदिर को देख सकते हो आप, मंदिर कैसा दिखता है देखने में। और इधर बैठा है मेरे बगल में, अभी से खड़ा है, अंदर चलेंगे। हाँ उदित भाई बोल, क्या कहेगा, क्या है चुपक क्यों रहा इतना ज़्यादा। अब गाइस मंदिर के अंदर चलते हैं, बाहर से तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर जाके देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, पूरा एक्सप्लोर कराएंगे आपको। चलो गाइस, इधर से हम एंटर हुए हैं मंदिर में, इधर मेन मंदिर है, ऊपर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर कराएंगे आपको अच्छे तरीके से। ये इधर का गार्डन है, जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये ऊपर इधर मंदिर है, इसका मंदिर का गेट है। और इधर काफ़ी अच्छा फूल वगैरह लगे हुए हैं और पेड़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा केयर करी जाती है इन पेड़ों की, जैसा कि हम देख सकते हैं। और ये मंदिर भी काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल है, टूरिस्ट प्लेस है अच्छी तरीके से। इधर जो भी, अगर आप हिंदू हो और जैन नहीं हो या फिर कोई भी धर्म के हो, तो भी आप इधर आ सकते हो। इधर कोई ऐसी खास नहीं है कि जैन नहीं आएंगे, इधर कोई भी आ सकता है, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी हो सकती है सबके लिए। देखो गाइस, बस गाइस ये एक मंदिर है, इसके अंदर हम चल के दिखाते हैं आपको। हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है जैन धर्म के बारे में, तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे आपके लिए कि इसमें कौन से भगवान होंगे। इधर दो भगवान बैठे हुए हैं हमारे सामने, बट हम इनका नाम नहीं बता सकते आपको, क्यों हमें खुद ही नहीं पता, कैसे बताएंगे हम। और देखो ऊपर भी अच्छी तरीके से लोग कलाकारी हो रखी हैं, और इधर रूम भी छोटा सा बना रखा है, सही है, भगवान के लिए अलग से बना रखा है उन्होंने। ये उधर जंगले में झांकने लग रहा है अभी से खीरा, और चलो अब बाहर चलते हैं। इधर से हम आए हैं फिर से, जिधर हम देख रहे थे मंदिर ऊपर कैसा लगता है दिखने में, पूरा मंदिर दिखा रहे थे, जो मेन है वो छोटा सा रूम बगल में था, इसे ऊपर से देखो। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इधर कलाकारी हो रखी है और इतने ज़्यादा वो बना रखी है। हमसे बार बोली गई थी कैमरा बंद कर लेना, लेकिन हमने इधर परमिशन ले लिए, तो हम ढंग से कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अंदर बाहर वाले मना कर रहे थे गार्ड वगैरह, लेकिन अंदर जो है उन्होंने कह दिया कि हाँ अच्छी तरीके से जितना वीडियो बनाना है बना लो, बस अपना सेल्फी मत लेना, मतलब वो सेल्फी और वो जैसे ब्लॉगिंग करते हैं ना, उसके मना कर रहे थे। नहीं तो अपने उससे बैक कैमरा से कितना भी बना सकते हैं, बस फ्रंट कैमरा से बनाने की मना कर रहे थे, पता ही नहीं क्या है। देखो गाइस, ये सरस्वती माँ बैठी हैं, इधर जैन धर्म में भी सरस्वती माँ होती हैं, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन इधर आके पता चल गया कि हाँ भाई सरस्वती माँ जैन धर्म में भी मानी जाती हैं। बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जो जैन धर्म में माने जाते हैं, हिंदू धर्म के भी। ये इधर बहुत सारे अलग अलग भी कैरेक्टर्स बने हुए हैं, बट हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि कौन से कैरेक्टर क्या हैं, और ज़्यादा हमें नॉलेज है नहीं इनके बारे में। बस हम तो एक टूरिस्ट की तरह घूमने आए हैं इधर, बस घूम घाम के जाएंगे इधर से, देखें आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे अच्छे तरीके से। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। गाइस ऊपर एक झंडा सा लगा हुआ है, ऊपर जाने का कुछ क्लॉक टावर सा बना हुआ है, क्लॉक टावर नहीं बोल सकते, उधर स्टैंड के लिए बना हुआ है कुछ, उधर जाके हम खड़े हो सकते हैं। और इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कलाकारी करी गई है, जैसे कि बिहारी जी मंदिर पे या फिर गंगा मंदिर पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े बनाए गए हैं, उसी तरह इधर भी बनाए गए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स। अब इधर से सीढ़ियाँ हैं, इधर से हम जाएंगे, इधर अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ आपको एक एक चीज़। और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है इधर, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने में स्मूथनेस नहीं आ रही है वीडियो में इतनी ज़्यादा, वो थोड़ा सा अटक रहा है वीडियो, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बस आप ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दो, मैं आईफोन से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल मस्त मस्त वीडियो आएंगी। गाइस ये इधर पता ही नहीं क्या बना हुआ है, देख सकते हो आप साथिया वगैरह खड़ा हुआ है, इधर मेरे हिसाब से तो रूम वगैरह होंगे। और गाइस उदित भी कह रहा था कि इधर ये रूम वगैरह हो सकते हैं, इनमें वो जिधर वो होते हैं का पूजा करने वाले वो रहते होंगे, और इन्हें पुजारी बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे इतना भी नहीं पता है इस धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ। तो चलो इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चलेंगे। गाइस हम जैसे ऊपर आए हैं, इधर देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से मॉन्यूमेंट को सजाया गया है और कितनी ज़्यादा साफनेस से इधर कारीगरी करी गई है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इन्हें इधर आके बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अंदर चलते हैं, अंदर हम बस ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि कोई हमें मना ना करे। गाइस यहाँ का सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता ही नहीं इधर क्या है। उन्होंने हमसे कह दी कि वीडियो बना लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, मतलब यहाँ पर कोई डिसिप्लिन रूल तो रखना चाहिए ना उनको कि वीडियो बनानी है या नहीं बनानी।
कुछ कह रहे हैं बना सकते हो, कुछ कह रहे हैं नहीं बना सकते, पता ही नहीं क्या सिस्टम है। बस मंदिर में वीडियो बनाने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर में वीडियो बनाना तो भगवान को रिकॉर्ड करना, मतलब क्या थोड़ी कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अब अलग अलग कुछ भी हो सकता है। बट जैसी जो समझते हैं लोग, कुछ होते हैं कि हाँ भाई बनाओ अच्छी बात है बिल्कुल बनाओ, लेकिन कुछ होते हैं नहीं ये वीडियो कैसे बना रहा है इसको तो रोकना ज़रूरी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पूरे अच्छे तरीके से मंदिर में दिखा देता हूँ। ये इसमें गोल्डन कलर के दिख रहे हैं ना, ये इतना गोल्डन वगैरह नहीं है, ऊपर देख सकते हो आप, ऊपर से अच्छी मोन्यूमेंट हो रखी है। इधर ओनली येलो कलर का हो रहा था, येलो कलर बस हम आ गए हैं गाइस बिल्कुल ऊपर ही ऊपर। और इधर से देखो बिल्कुल ऊपर नहीं, मतलब हल्का सा ऊपर, और इधर भी रसीद दिए हैं ऊपर जाने की, ऊपर भी जाएंगे बाद में। इधर से देखो कैसा व्यू आ रहा है, इधर से बिल्कुल दूर दूर तक अच्छी तरीके दिख रहा है। ये काफ़ी ऊंचा बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और देखो ये मोटा सा निखरा हुआ है ना गुम्मट, इसी मंदिर में गए थे हम सबसे पहले, और फिर इसके बगल वाले जो हम ऊपर फ्रंट में आपको दिखाया था शुरुआत में उधर हैं उसके ऊपर। इसमें एक और मंजिल है, इसके ऊपर चलो चलेंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके दिखाएंगे, लेकिन इसके अंदर चलते हैं अभी सेकंड मंजिल पे हम, अब तीसरी मंजिल पे जाएंगे। अभी गए सेकंड मंजिल वाले भगवान पे हम देख रहे हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड मंजिल पे कोई मना नहीं है, उन्होंने कह दिया अच्छी तरीके से बना लो वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम आवाज घूम रहे थे, आपको पता ही होगा, जैसा कि देख लो ये सारी चीज़ें दिखाई हैं हमने आपको बस। और इधर से चलेंगे अच्छी तरीके से दिखाता हूँ उधर, देखो कुछ कुछ भगवान तो गाइस ऐसे हैं कि जो हिंदू धर्म में भी हैं। देखो गाइस हम आ रहे हैं ऊपर, आ रहे हैं बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर दिखने में ही ऐसा है कुछ। ऊपर एक और छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर चलेंगे थोड़ी देर में, और जिसको दिखाता हूँ अगल बगल से। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, इन पर चलेंगे। देखो गाइस ये हैं एक और भगवान से इस मंदिर, और मुझे पता नहीं है कौन से भगवान है, बट हमने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया है इनको भी। और देखो दिखाता हूँ उधर, इधर उधम करने लग रहा है, और बस इधर से चलते हैं अब अंदर जाके। उन्होंने नाम से निकल रहे थे जब गई थी ऊपर, वीडियो मत बनाना, पता ही नहीं क्या चक्कर है, वीडियो बनाओ मत बनाओ। देखो गाइस इधर से बिल्कुल अब नीचे जा रहे हैं हम, और कितना सेटिसफाइन व्यू आ रहा है ना इधर से, मतलब लिटरली देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है ये इतनी ऊंचाई से इनको मॉन्यूमेंट्स को देखना, और पार्क वगैरह इतना अच्छा लग रहा है। लिटरली भरतपुर तो लग ही नहीं था, भरतपुर मतलब मैं उस तरीके से नहीं कह रहा कि भरतपुर बेकार है, भरतपुर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही डेवलपमेंट करता रहे मैं तो ये कहूँगा भरतपुर के बारे में। बस देखो गाइस गाइस इसमें मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से नहीं आई थी, मैं आपको बता देता हूँ वॉइस ओवर करके बताऊँ अच्छी तरीके से। क्या मेरा माइक ख़राब हो गया था, जैसा कि आपको मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ मेरा माइक ख़राब हो गया जैन मंदिर आया हूँ मैं जब, तो जितना भी मैंने किया है वॉइस ओवर किया हुआ है। उधर बैठ के मैं बात कर रहा था कि देखो क्या अच्छी 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 टहल हैं क्या अच्छी है, और हम इधर बैठे हैं मंदिर के सामने, इधर बैठ गए हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब इधर से घूम घाम के निकलेंगे, देखो ये दोनों बैठे हैं, हाय करो चलो गाइज। मैं इनसे बोल रहा हूँ कैमरेमैन, देखो क्या गधा है ये, उधर तो है ही गधा गाइज, आपको जैसा ही पता ही होगी क्योंकि इसकी हरकत गधो जैसी है, वैसे लड़का बढ़िया है एकदम। सो गाइज इधर से हम जूते वगैरह पहन के चलते हैं, और अभी से को देखो फोटो लेने लग रहा है फूलों के, इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फूल उग रहे हैं सफ़ेद और लाल, और देखो देखो कितने बंधन के आ गया है। बस इधर से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं, मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए फूल वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।